157 किलोमीटर पर आवर आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे तेज बॉल उमरान मलिक के नाम है। 17 साल की उम्र तक टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला। लेदर बॉल हाथ में उठाने के एक साल बाद ही अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी की वजह से अंडर 19 जम्मू एंड कश्मीर टीम में अपना जगह बनाया। बिना डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले कोई भी प्लेयर अंडर 19 स्टेट टीम के ट्रायल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उमरान ट्रायल्स देने पहुंचे। उन्होंने पहली बॉल फेंकी, सेलेक्टर्स ने उनके पास आकर कहा, तुम फिकर मत करो, तुम टीम में हो, बस अपने आप को तैयार रखना। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की कंटेंट पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन है टू गिव यू वैल्यू कंटेंट। उमरान मलिक का जन्म 22 नवंबर 1999 को जम्मू शहर के छोटे से इलाके गुज्जर नगर में हुआ। पिता अब्दुल राशिद मलिक की शाहिदी चौक पे एक फल और सब्जी की दुकान है। इंडिया के हर बच्चे की तरह उमरान भी बचपन में टेनिस बॉल से खूब क्रिकेट खेलते थे। पढ़ाई में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। स्कूल में वो दिन भर क्रिकेट खेलते रहते थे और घर वापिस आने के बाद बिना खाए पिए वो वापिस मैदान खेलने चले जाते थे। वो सोते उठते जागते सिर्फ क्रिकेट करते थे। शुरू से ही उन्होंने फास्ट बॉलिंग करी। पिता उन्हें हमेशा कहते थे, तुम खेल के साथ साथ अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दो, लेकिन उमरान को क्रिकेट के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। नतीजा 10th में वो फेल कर गए। 17 साल की उम्र तक उमरान ने खूब गली क्रिकेट खेला। वो अपने तेज रफ्तार गेंदबाजी से सभी बैट्समैनों को धूल चढ़ाने की ताकत रखते थे। इसके बाद उन्होंने अपने गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का सोचा। उन्होंने कॉम्पिटिटिव टेनिस बॉल टूर्नामेंट खेलनी शुरू की। मैचेज अक्सर शाम के वक्त ही होती थी, जिसे देखने काफी लोग आते थे। 10 ओवर के गेम में छोटे बाउंड्रीज के साथ बैट्समैन को ज्यादा एडवांटेज रहता था, लेकिन उमरान की पेस देख के सब चौंक जाते थे। सभी टीम उन्हें अपने प्लेइंग 11 में चाहती थी। धीरे धीरे पूरे जम्मू में उमरान को लोग उनके तेज रफ्तार गेंदबाजी की वजह से जानने लगे। टेनिस बॉल क्रिकेट में अपना नाम बनाने के बाद उन्होंने लेदर बॉल क्रिकेट को ट्राई करने का सोचा। अपने पहले ही लोकल मैच में उन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग और लंबे लंबे छक्के के साथ सभी को भौचक्का कर दिया। उमरान के दोस्त ने उन्हें अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए किसी कोच के पास जाने को कहा। उमरान मौलाना आजाद क्रिकेट स्टेडियम में कोच रणधीर सिंह मन्हास के पास गए और उनसे बॉलिंग करने की इजाजत मांगी। मन्हास जी एक लोकल कोच थे जो यंग क्रिकेटरों को ट्रेन करते थे। सुबह का वक्त था और हमेशा की तरह बॉलर्स की कमी थी। मन्हास जी ने कहा, ठीक है, तुम बॉल डाल सकते हो। उमरान ने कुछ ही बॉल डाले थे कि वहां पर सीनियर जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेटर राम दयाल आए। कुछ देर नेट पे उमरान की बॉलिंग देखने के बाद दयाल जी ने मन्हास जी से पूछा, ये कौन है? मन्हास जी ने कहा, इसके पास रॉ टैलेंट है और 135-140 ही आराम से फेंक लेता है। मन्हास जी ने उमरान को रोज स्टेडियम आने को कहा। उन्हें उमरान की नेचुरल टैलेंट दिख गई थी, बस जंप और लैंडिंग पे थोड़ा काम करना था। बाद में इरफान पठान जब जम्मू एंड कश्मीर आए तब उन्होंने भी उमरान की काफी मदद की। अब्दुल समद जो कि उसी ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते थे, वो और उमरान अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों अब रोज साथ में ही ट्रेनिंग करते थे। उमरान की करियर अभी ट्रैक पर नहीं थी। जब वो जम्मू एंड कश्मीर अंडर 19 ट्रायल्स के लिए गए तो उनसे साफ कह दिया गया कि बिना डिस्ट्रिक्ट खेले तुम ट्रायल्स में हिस्सा नहीं ले सकते हो। लेकिन फिर भी उमरान अगले दिन ट्रायल्स देने पहुंचे। उन्होंने कहा, इतने भीड़ में थोड़ी ना पता चलेगा कि मैंने डिस्ट्रिक्ट खेली है या नहीं। उमरान ने सिर्फ एक बॉल करी और सेलेक्टर्स ने उनके पास आके कहा, तुम फिकर मत करो, तुम टीम में रहोगे, बस अपने आप को तैयार रखना। रमन थापलू जो कि जम्मू एंड कश्मीर के क्रिकेटर थे, वो बताते हैं कि जम्मू की तरफ से खेलते हुए अपने पहले मैच में जब उमरान ने पहली बॉल डाली, वो बाउंस करके कीपर के ऊपर से चली गई। अंपायर्स ने पूछा, क्या इसने नेशनल्स खेल रखी है? अगले साल अंडर 23 ट्रायल्स में उमरान को रिजेक्ट कर दिया गया। 2019-20 रणजी ट्रॉफी सीजन ने उमरान की करियर को एक नया मोड़ दिया। आसाम के कोच अजय रात्रे जो कि फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर रह चुके हैं, उन्होंने अपने बैट्समैन के प्रैक्टिस के लिए कुछ नेट्स बॉलर मांगे। उमरान ने ये जिम्मेदारी ली, लेकिन सिर्फ 4 बॉल डालने के बाद ही अजय जी ने उमरान को रोक दिया। कहा, तुम इतनी तेज बॉल डाल रहे हो, टीम के बैट्समैन इंजर्ड हो सकते हैं। अजय रात्रे को ये जान के हैरानी हुई कि उमरान जम्मू एंड कश्मीर के सीनियर टीम में नहीं है। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर टीम के कैप्टन और कोचिंग स्टाफ से बात की। अब्दुल समद जो उस वक्त उस टीम का हिस्सा थे, उन्होंने भी अपने कोचेस को उमरान के बारे में बताया। बाद में उमरान को टीम में शामिल कर लिया गया, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए उन्हें और इंतजार करना था। 2020 में अब्दुल समद को सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। समद ने अपने मैनेजमेंट से उमरान को एज ए नेट बॉलर टीम में शामिल करने को सजेस्ट किया और उन्हें उमरान की कुछ वीडियोस दिखाई। उमरान की फास्ट बॉलिंग से इम्प्रेस होकर टीम ने उन्हें एज ए नेट बॉलर कैंप में शामिल कर लिया।
एक बार एक नेट सेशन के दौरान जॉनी बेस्टो ने उन्हें थोड़ा धीरे बॉल डालने को कहा, लेकिन उमरान को इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। उन्होंने उसके बाद भी फास्ट बॉल ही डाला। किसी ने आकर उनसे कहा कि बेस्टो बॉल धीरे डालने को कह रहा है, तुम बहुत तेज डाल रहे हो। 2020 आईपीएल में उमरान ने नेट्स में सबको अपने पेस से इंप्रेस किया, जिसकी वजह से 2021 में भी वो टीम में एज ए नेट बॉलर थे। 18 जनवरी 2021 को रेलवेज के खिलाफ अपना T20 डेब्यू किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अपने पहले ही मैच के 4 ओवर में 3 विकेट्स लिए विद एन इकोनॉमी ऑफ 6 और जम्मू एंड कश्मीर को 7 विकेट से मैच जितवाया। अगले महीने 27 फरवरी 2021 को बंगाल के खिलाफ लिस्ट ए क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। सितंबर 2021 की आईपीएल के दूसरे लेग में उन्हें स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से कॉल आया। उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्रायल्स के लिए रिपोर्ट करना था, लेकिन उसी शाम हैदराबाद टीम ने उमरान को टीम में शामिल कर लिया एज ए रिप्लेसमेंट फॉर कोविड पॉजिटिव टी नटराजन। साल 2021 में हैदराबाद का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। प्लेऑफ्स के रेस से बाहर होने के बाद उमरान को प्लेइंग 11 में मौका मिला। 3 अक्टूबर 2021 को कोलकाता के खिलाफ अपना आईपीएल डेब्यू किया। उमरान ने सिर्फ 3 बॉल डाला और पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड पूछने लगी, कौन है यह लड़का। अपने पहले ही ओवर में उमरान ने 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल फेंकी। अगले मैच में आरसीबी के खिलाफ उमरान ने 152.95 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से बॉल फेंकी, जो कि उस आईपीएल सीजन की सेकंड फास्टेस्ट बॉल थी। उस वक्त के इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली ने उमरान की तारीफ करी और उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए एज ए नेट बॉलर इंडियन टीम में शामिल कर लिया। उनके इस तरक्की से पूरी इंडिया और उनकी फैमिली खुश थी, क्योंकि हम इंडियंस ने जवकल श्रीनाथ की बॉलिंग के काफी सालों बाद इतनी पेस देखी थी। उमरान ने पेस के साथ साथ अपने लाइन और लेंथ पे भी काम किया, जिसकी झलक आईपीएल 2022 में दिखी। 27 अप्रैल 2022 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ T20 क्रिकेट में अपना पहला पंजा लिया। 5 मई 2022 को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे तेज बॉल डाला 157 किलोमीटर पर आवर। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक 10 मैच में उन्होंने 15 विकेट्स लिए विद एन एवरेज ऑफ 22.60 एंड इकोनॉमी ऑफ 8.92। फॉर्मर इंडियन और इंटरनेशनल क्रिकेटर सभी कह रहे हैं कि उमरान मलिक इंडिया की एक बेहतरीन खोज है। उन्हें बस अपनी इकोनॉमी पे थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, बाकी उन्हें इंडियन टीम के बेहतरीन तेज गेंदबाज बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने वो किया जिसे वो प्यार करता था, फास्ट बॉलिंग। उसने ये सोच के फास्ट बॉलिंग कभी नहीं शुरू की कि मुझे इंडिया खेलना है। उन्हें सिर्फ फास्ट बॉलिंग करनी थी और वो आज भी यही कर रहे हैं। उमरान के अंदर एक रॉ टैलेंट था जिसको उनके आसपास के लोगों ने पहचाना और उनके स्किल को निखारा, और आज वो जो कुछ भी हैं पूरी देश के सामने हैं। तो हम लोग ब्रेक करते हैं, उमरान यूं ही फास्ट बॉलिंग करते रहें, अपने लाइन और लेंथ को इम्प्रूव करके इंडिया के नेक्स्ट बिग थिंग बन के उभरें। बहुत लोगों का कमेंट्स और डीएम्स आता है कि भैया मेरी एज 16 है, 21 है, 14 है, क्या मैं क्रिकेटर बन पाऊंगा। बेशक आप जो चाहते हैं वो आप जरूर बन सकते हो, लेकिन वो आप क्यों बनना चाहते हो ये क्लियर होना जरूरी है। आपका वाई क्लियर होना जरूरी है। एज मैटर नहीं करता है, ना ही फैमिली बैकग्राउंड। इसका एक फेमस एग्जांपल है प्रवीण तांबे। अब लोग बोलेंगे कोई और एग्जांपल दो ना, तो दोस्त इस दुनिया में अगर किसी एक इंसान ने भी वो काम किया है ना, तो वो आप भी कर सकते हो। बस आपको ये खेल पसंद आनी चाहिए। क्रिकेट खेलने की वजह सिर्फ इंडिया खेलना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोच के आगे बढ़ोगे तो आपका फोकस सिर्फ एंड गोल पर होगा, प्रोसेस पे नहीं। और किसी महापुरुष ने कहा है, फोकस ऑन प्रोसेस, द रिजल्ट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।